बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आधी रात को हमें क्रेविंग होने लगी कि हम चिकन स्ट्रिप्स खाएं। तो तकरीबन अभी 1 बजे का टाइम होगा, तो मैं स्ट्रिप्स बनाने लगी थी। मैंने चिकन लिया है, उसके लंबे लंबे पीसीस काट लिए हैं। उसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। साथ साथ मैं चीज़ें लिख भी देती हूँ और मैं साथ साथ बोलती भी जाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैं ऐड करूँगी। तो मैं इसके अंदर लेमन का जो जूस होता है, आप लेमन स्क्वीज करके भी डाल सकते हैं, एक जूस भी मिलते हैं, आप वो भी डाल सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो घर में। उसके बाद मैंने सोया सॉस ऐड किया है तकरीबन 1 टेबल स्पून, और जो हॉट सॉस ऐड करूँगी वो भी मैं 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी। अगर किसी के पास हॉट सॉस ना हो वो चिली सॉस भी ऐड कर सकता है, क्योंकि हॉट सॉस थोड़ी सी तेज़ होती है, चिली सॉस थोड़ी सी कम होती है। अच्छा, उसके बाद मैं इसके अंदर 1 टीस्पून चिली पाउडर ऐड करूँगी, लाल मिर्च का पाउडर। उसके बाद जो है मैं इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी, वो मैं तकरीबन हाफ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम, कि ज़्यादा ना हो जाए। अच्छा, अब मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। नमक बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करूँगी, हाफ टी स्पून, क्योंकि सोया सॉस के अंदर ऑलरेडी नमक था इस वजह से। अच्छा, अब इन सब चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी फॉक की मदद से, और थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही आपने मिक्स करते रहना, ताकि जो इसके सारे के सारे मसाले और जो सॉसेस वगैरह है वो बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। यहाँ पे आके मैं फास्ट फॉरवर्ड के अंदर जल्दी जल्दी इसको मिक्स करूँगी, मिक्स करते करते भी थोड़ा टाइम लग जाता है। अच्छा, लास्ट में मैं इसके अंदर ऑरिगेनो ऐड करूँगी, ये ऑप्शनल है, मुझे इससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप लोग डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बट ये बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, ये डालने के बाद भी मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको साइड पर रख दूँगी। अच्छा, अब एक और टिप है जी, जब आपने उसको चिकन को मैरिनेट करने के लिए रखना है, तो उसको फॉक की मदद से छोटे छोटे ऊपर से प्रेस करना है, ताकि जो मसाला है छोटे छोटे सुराख हो और अंदर तक मिक्स हो जाए। अच्छा, ये करने के बाद अब हम इसका जो मसाला है जिसके अंदर हमने डिप करना है वो बनाएंगे। सबसे पहले मैंने 1 कप मैदा लिया, मैदे के अंदर भी मैं थोड़ी सी जो चिली पाउडर है वो ऐड करूंगी। उसके बाद मैं इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड करूंगी। अच्छा, क्वांटिटी जो है आपने जब मसाले के अंदर चिकन के अंदर ज़्यादा डाल लिए, तो आपने कोशिश करनी है कि जो पाउडर फॉर्म में उसकी जो चीज़ें होंगी उसके अंदर थोड़ी सी कम रखनी है। पाउडर के अंदर जो स्पाइसेस वगैरह ऐड करनी है वो आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, किसी को ज़्यादा तेज़ स्पाइसी पसंद है, किसी को कम पसंद है, तो वो आप लोगों ने देख लेना है। अच्छा, आप इन सब चीज़ों को अच्छे से पाउडर में पहले अच्छे से मिक्स कर लेना, उसके बाद में इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। तो जब ये मिक्स हो जाएगा तो पानी को आपने कोशिश करनी है कि अच्छे से मिक्स करना है, और आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ ऐड करते जाना है, ताकि कोई लंप ना बन जाए, क्योंकि अगर एक दफ़ा लंप बन गया ना, तो फिर उसका उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर उसके वजह से और पानी डालना पड़ेगा। और हमें ये थोड़ा सा बैटर जो है वो थिक चाहिए, ना ज़्यादा पतला हो ना ही ज़्यादा थिक हो, नॉर्मल हो। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको मिक्स कर लिया था, और मैं आपको बैटर की शक्ल दिखाती हूँ, ये चेक करें इसकी कंसिस्टेंसी, तो इसकी मीडियम सी है। अब मैं क्या करूँगी, चिकन एक एक पीस लूँगी, तो इसको पहले मैं मैदे के अंदर डिप करूँगी। डिप करने के बाद फिर इसको जो एक्स्ट्रा है वो थोड़ा साइड पे निकाल के फिर मैं इसको ब्रेड क्रम्ब के अंदर मिक्स करूँगी। तो ब्रेड क्रम्ब के अंदर अच्छे से कोटिंग कर लेनी है। तो बेशक आप ग्लव्स वगैरह पहन लें, तो मुझे इस वक्त कुछ भी नहीं सूझा, तो आधी रात का टाइम था, मैंने फटाफट इस तरह बनाया हो और साइड पे उसको एक प्लेट में रख दिया। अच्छा, अब मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि मैं थोड़े बड़े बड़े जल्दी जल्दी बना लूँ, क्योंकि थोड़े छोटे छोटे भी मैंने कट किए हुए थे। अच्छा, अब इसी तरह सारे के सारे आपने बना लेने हैं, और बना बना के इसको एक अलग से सेपरेट प्लेट में या सेपरेट जाली के ऊपर, जिस तरह भी आप कंफर्टेबल हो वैसे रख सकते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा आपका जो ब्रेड क्रम्स हैं या जो मैदा है वो निकल रहा है वो एक दफ़ा ही निकल जाए, ताकि जब हम ऑयल में इसको ऐड करें तो वो अलग अलग पीसीज ना उसके गिर रहे हों। यहाँ पे मैंने बस थोड़े से ही बनाए थे, जितने खाने थे ये मैंने बना लिए। अब मैं साइड पे एक ऑयल लिया है, मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म किया है, अब मैं ये सारा का सारा उसके अंदर ऐड कर दूंगी। और ध्यान रहे जो फ्लेम है वो ज़्यादा तेज़ ना हो, मैंने पहले तेज़ रखी थी, जब ऑयल गर्म हो गया उसके बाद मैंने बिल्कुल नॉर्मल कर दिया। अब इसको नॉर्मल आग पे हमने अच्छे से पकाना है। एक साइड पक चुकी है, अब मैं इसकी साइड जो है वो चेंज कर रही हूँ। आप लोग भी देख रहे हैं कि ज़्यादा अगर तेज़ करेंगे तो फ़ौरन से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। तो अगर ऐसे आहिस्ता सी आग पे पकाएंगे तो बहुत ही मज़े के, बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है मेरे जो स्ट्रिप्स हैं वो बन चुके हैं, एक एक दफ़ा बन चुके थे, वो मैंने निकाल लिए थे। अब ये लार्ज पीस था,
तो अब मैं ये भी निकाल रही हूँ, मैं साथ साथ आपको दिखा भी रही हूँ कि ये इनका कलर किस तरह का आया है। कुछ देर के लिए इसको मैंने टिश्यू पेपर रखकर साथ में ये देखे, मैंने थोड़ा सा रख करके देखा था, बहुत ही क्रिस्प बने थे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, और इसको साथ में सॉस के आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने एक दो सॉसेस को मिक्स करके एक सॉस बनाई थी, और मैंने ये फिर इस तरह बनाया था। लास्ट में मैं फिर चाट मसाला ऐड करना भूल गई थी, इसलिए मैं दोबारा से क्लिप को रिकॉर्ड किया। आप चाट मसाला ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत मज़े का लगता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।